गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी पहली कक्षा में हो और अब हमारा हिंदी का पीरियड है। तो बच्चों, इससे पहले हमने कुछ ट्रेसिंग किया था, यानी कि हमने सुलेख किया था, जो कि हमारे इस बुक में, हाँ, यह हमारा नया बुक है और इस टेक्स्ट बुक में, इस पाठ्य पुस्तक में हिंदी अक्षरमाला भाग और पेज नंबर 4 और 5 पर आपने ये लेटी हुई लाइन की है, लेटी हुई रेशा। उसके बाद आपने यहाँ पे खड़ी लाइन की है, खड़ी रेशा, जिसको मराठी में आड़वी रेशा और उभी रेशा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन कहते हैं और हिंदी में हम इसको लेटी हुई और खड़ी रेशा कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपकी पढ़ाई हो गई है। इसके बाद आप यदि दूसरा पेज देखोगे तो उसमें पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7, पेज नंबर 6 और 7 पर आपको फिर से कुछ ट्रेसिंग दिखाई देगा। तो यह ट्रेसिंग आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे लिखा है क्या, सुलेख करो, ट्रेस एंड राइट। तो इसपे कक्षा कार्य लिखा है। क्या लिखा है? कक्षा कार्य। कक्षा कार्य का मतलब है हमारा क्लास, जो कि हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन अभी आप घर पे हो तो कक्षा कार्य भी आपको घर पे ही करना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है गृह कार्य। गृह कार्य का मतलब है होमवर्क, जो आपको घर पे करना है। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो यहाँ पे दी हुई है तिरछी रेशा। कौन सी रेशा? तिरछी रेशा दी हुई है और ये तिरछी रेशा आपको ट्रेस और राइट करनी है। इसको आपको अच्छे से सुलेख करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको हम सुलेख करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यह है हमारी तिरछी रेशा। यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन कहाँ से आती है? ऊपर से नीचे, लेकिन वह तिरछी आती है, इसीलिए इसको तिरछी रेशा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये तिरछी रेशा हम करेंगे। यह तिरछी रेशा को मराठी में तिरपी रेशा ऐसा कहते हैं और अंग्रेजी में इसको स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। हम मराठी में इसको क्या बोलते हैं? तिरछी रेशा। क्या बोलते हैं? तिरछी रेशा। वेरी गुड। और ये सब ट्रेसिंग करने के लिए, सुलेख करने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करो। यह है हमारी पेंसिल, तो इस पेंसिल का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद यदि आप पन्ना नंबर 7 देखेंगे, पेज नंबर 7 देखेंगे, तो यहाँ पे भी कक्षा कार्य और गृह कार्य है। तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे है आधा गोल। क्या है? आधा गोल। तो ये आधा गोल भी हम अच्छे से करेंगे। ये भी हमें ऊपर से ऐसे नीचे करना है। ठीक है बच्चों, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यह है आधा गोल। ये हमने इस तरह से किया। अभी हम यहां से ऐसे करेंगे। ठीक है, आधा गोल। क्या है ये? आधा गोल। पेज नंबर 6 और 7 पर ये सुलेख किया है। इसके बाद हम कुछ रिवीजन लेंगे। तो बच्चों, रिवीजन किसका लेंगे मालूम है आपको? हाँ, हम एक बार फिर से देखेंगे। क्या देखेंगे? तो यह
पे आपने अच्छे गुड हैंडराइटिंग में अच्छे राइटिंग में सिलेक्ट करके यहाँ पे ओ लिखा था। हाँ मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और होशियार भी है जिनको ओ वरना अच्छे से याद है ना। तो बच्चों आज हमारे लिए